गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, होपली आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सीन क्या है? वैसे तो आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मंगलपुर के क्यू ब्लॉक में एक ट्यूशन है MDIPT, जो मंगलपुर के लड़के वो जानते होंगे। तो वो मोहम्मद इरफान सर जो है बच्चों को दिल्ली टूर लेके जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हमें निकलना है 7 बजे यहाँ से। तो फटाफट से तैयार होते हैं और चलते हैं, और यहाँ पे सो रहा है दीक्षांत, पहले से उठाऊँगा मैं, उसके बाद हम निकलेंगे। तो मिलते हैं ना के। तो दीक्षांत ना के आ चुका है और मैं ना जाऊँ, उससे पहले मैं एक जादू दुकान चाहता हूँ, जो मैं चिंच पोक लिए गाँव से एक चुनचू नाम के लड़के सीख के आया हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े दीक्षांत के, अब ये बिना इसमें हाथ डाले इस पर कूदते इनको पहन लेगा। भाई मैं भी नहा के आ चुका हूँ और इतनी ठंड में, सच बताऊँ मैं सुबह 6 बजे नहाना खुदकुशी से कम नहीं है भाई। तो कांग्रेस टू में कि मैं जिंदा वापस आ गया। तो एक चीज़ बताना भूल गया गाइस, मैं आज क्रिसमस है तो सबको मैरी क्रिसमस। क्रिसमस आ जाए बट ब्लॉग न्यू ईयर पे आएगा, तो इसलिए सबको हैप्पी न्यू ईयर पहले से। भाई मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो फाइनली तैयार हो चुके हैं हम, और अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। 7 बजे का टाइम था, ऑलरेडी 7 से ऊपर हो चुके हैं, तो लेट हो रहा भाई, जल्दी कर। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। क्या सूरत, अरे बहुत मनोज लग रहा हूँ। हेलो गाइस, गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। घर से निकल गए हैं हम, घर से निकल चुके हैं। इस टाइम था हमारा 7 बजे का, और पहले हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या होगा जाके, तो डायरेक्ट बात कराएंगे उसके पठान भाई से। हम पहुंचे भी नहीं और रास्ते में हमें ये मिला देवा, ये भी जा रहा ऐसे आई टू कैमरा। हम पहुंचे भी नहीं, उससे पहले हमारा ये बंदा भी जा रहा कट गया। हमें पता चला कि बस ही 8:30 बजे निकलेगी, और हमें उसने 7 बजे का टाइम दिया था, और ये भाई जा रहा है कर दो भाई। तो देखो भाई, हम ट्यूशन है, हमको क्या सरप्राइज मिला। हम पहले सोच रहे थे कि हम लेट हो गए आधा घंटा, लेकिन यहाँ तो सर जी तो आराम से सोए हुए हैं। क्या प्लान है फिर? बस बस सब रेडी होते हैं, बस लेट्स स्टार्ट, पहुँचते हैं। कौन कौन सी जगह नापने वाले हैं? सीधा सर से जाने का, सर बताओ कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप हम उठ चुके हैं, तैयार व्यार होकर हम हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे पहले जाएंगे, फिर वहाँ से आगे देखते लोकेशन वंडर पार्क जाएंगे। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क काफ़ी अच्छा जगह है, वहाँ पे दिखलाएंगे नज़ारा, वहाँ का देखिएगा आप सब। बाकी ये राकेश हैं, ये अच्छे से बताएंगे आपको। वहाँ से पहले चलते हैं निज़ाम, कहाँ पे? निज़ामुद्दीन दरगाह पे चलेंगे पहले, निज़ामुद्दीन दरगाह, उसके बाद मैं बताऊंगा। बहुत सारी जगह जाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे, वीडियो से बने रहना आपको, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, राकेश है हमारे साथ, ये बहुत ही मज़े करवाते हैं, आप इनके साथ बने रहो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सर मैरी क्रिसमस, मेरी आप सबको भी क्या है, मेरी क्रिसमस। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैरी क्रिसमस बोल दे, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सब लोगों को। ये हमारा तुषार भाई, हां और ये भाई, एक बार डायलॉग बोल दे यार अपना वाला भाई, नहीं ये हमारे स्कूल टाइम का बहुत फेमस एक्टर है ये, इसका एक डायलॉग है भाई, भिंडी बड़ी महंगी है, वो एक बार बोल दे भाई, नहीं भिंडी बड़ी महंगी, क्या बात है भाई। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आज क्रिसमस है, व्लॉग न्यू ईयर पे आएगा, तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सबको। ये आप सब जानते होंगे इसको, ये आकाश है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और क्या बोलते हैं, एक तरह से एक्टिव बच्चा है ये। ठीक है, और ये नेक्स्ट टाइम वैसे चलेगा, हमारा बहुत सपोर्ट किया, जो तैयारी करी है इसने, जो हमारी पैकेज बनी टूर की, ये इनके ही बदौलत बनी है। देखो ये आकाश है, वेरी क्रिसमस बोल दीजिए, वेरी क्रिसमस, दो शब्द बोल यार, वेरी क्रिसमस दो शब्द। अच्छा रुको, अब दो शब्द कौनो फिरकी ले रहा है। आकाश भाई का न्यू ईयर पे प्लान है दोस्तों के साथ जाने का, तो भाई दोस्तों के साथ क्यों जाना, टीचर के साथ क्यों नहीं जाना? यार टीचर भी वैसे दोस्त होता है, मगर वैसे टीचर दोस्त होता तो फिर दोस्त के साथ जा क्यों नहीं रहे? उसका रीजन है दोस्तों के साथ तुम मजे कर पाओगे हैं? नहीं नहीं यार, पीता पीता न्यू मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं पी, ऐसी हरकतें नहीं करता, ऐसे ही रहना चाहिए भाई। बाकी अगली बार चलेंगे कभी भाई के साथ भी। हमें लगभग 1 घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए, और अभी भी सर आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं, अभी तक ब्रश ही कर रहे हैं, और यहाँ कुछ बच्चे आए हैं, बाकी तो बस में चले गए। तो बेटा क्या नाम आपका? माही। माही
अनमोल प्रिया बस ये बच्चा कुरकुरा लेना आया पूछा मैंने कुछ भाई आपका दीपक दीपक तो सबसे पहले सबको मैरी क्रिसमस तो एक्साइटेड हो जाने के लिए कितना बहुत भाई मैरी क्रिसमस और अभी मैं बस की तरफ जा रहा था मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिला तो भाई सारी वीडियो देखते हो हाँ भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्या बात है भाई ऐसे ही प्यार चाहिए भाई और फोटो वोटो खिंचा तो खिंचवा लो नहीं बस भाई अभी तो फ़ोन घर पर रह गया तो बस हमारी आई है वो है गोस्वामी बस सर्विस एड्रेस साहब देख सकते हो कहीं भी आपको घूमने जाना हो और आप यहाँ के नियरेस्ट है तो आप कर सकते हैं बुकिंग बहुत ही अच्छी कंडीशन में है बस इतनी जगह पर शक्ल देख सकते हो आप इसमें बढ़िया जो घूम के आओ ट्यूशन के बच्चे से पहले बढ़िया से आ जाना और बढ़िया से आ जाना ट्यूशन के बच्चे जा रहे हैं हमारे अभी 9 बज चुके पूरे 2 घंटे हो गए हमें और ये अभी इनका स्टार्ट नहीं हुआ अच्छा आए क्या चलो फिर चलते हैं देखा मिला था बिना नहाया और अब मिल रहा है नहाया हुआ तो कुछ फर्क नजर आ रहा है इसमें या भी वैसा ही लग रहा है आई टू कैमरा ओए बेस्ती अंटी हस्ती हो जा रही है अभी नोटिस किया हमारे साथ मिथुन चक्रवर्ती भी जा रहे हैं भाई एक बार ग्रैंड सल्यूट दे दो ऐसा कर दे ये गेट तो खुलवा भाई 7 बजे का टाइम मिला था और 9:42 से हम निकल रहे हैं यहाँ से ये मेरे साथ करो भाई अमन भाई कितने बजे टाइम दिया था 7 बजे का टाइम दिया था और 9:42 पे यानी 10 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली निकले तो और जो लोग यहाँ के इंडिया में वो कतर मार्केट गए कतर मार्केट कैसी होती है मंगोलपुरी की फेमस कतर मार्केट अभी लगी नहीं है दुकानें कर दो ये बात भैया कितना टाइम लगेगा तो आधे घंटे में पहुंचने वाले इतने आप व्यू देखो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है सारी तरफ ग्रीनरी ये देखो हरियाली हरियाली हर तरफ चाटूसी चल रही है जेसीबी की खुदाई मैं धन्य हो गया देख के तो फाइनली पहुंच गए हम दरगाह अंदर की साइड है हमें पैदल जाना पड़ेगा बस यहीं आसपास कहीं लगानी पड़ेगी और यहाँ बच्चों को उतारा जा रहा है इकट्ठे हो जाओ भाई दरगाह उस साइड है वहाँ बस नहीं जा सकते इसलिए हमको यहीं उतरना पड़ रहा है बस यहीं आसपास कहीं पार्किंग में लगाएंगे भाई से पूछा कहाँ है दरगाह इन्होंने बताया हमें फिर
कि अंदर है 5-10 मिनट की दूर, 5-10 मिनट की दूर पे ना भैया। हाँ जी मैंने बहुत जाए बस घुमा के लगा दो। अच्छा बस यहीं लगानी पड़ेगी आसपास कहीं से लगानी। चलो इन्होंने बताया मैं कि बस यहीं लगानी पड़ेगी और क्योंकि बस अंदर जा नहीं सकती इसलिए पैदल जाना पड़ेगा। बस गई हमारी पार्किंग में और हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल, यही रास्ता बताया था उन्होंने। यहाँ पूजा के फूल वगैरह है तो मतलब यही रास्ता। और सच बताऊँ मैं अभी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसी दरगाह कैसी नहीं है, जाके देखेंगे कैसी है कैसी नहीं है। बाकी पीछे पूरी टीम आ रही है हमारी। तो इतने बच्चे, कितने बच्चे टोटल? टोटल 50 बच्चे। 50 नहीं 70 है। लो 70 बच्चे क्या 50 बताने यार। और अंदर है भाई, पहले आ चुके हैं, दूसरी बार आए हैं। कैसी दरगाह भाई बताने भाई साहब? बताओ भाई दरगाह एक नंबर के, इसमें कवाली वाली चलते बढ़िया सी। देखो अंदर चल के देखो, दरगाह दिखा दूँ आपको। ये दरगाह और यहाँ जूते उतारने पड़ेंगे हमें। बढ़िया मुझे लगा अभी अंदर देखते हैं अंदर और क्या है क्या नहीं है। बाकी सर वहाँ बैठे हमारे, मैं सोच रहा हूँ वेट करूँगा। और फाइनली हम एंटर कर चुके हैं और मेरे साथ है माही। माही कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले आ चुके हो? हाँ पहले आ चुकी हूँ। माही पहले आ चुके और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कैसी लग रहा है कैसी नहीं है, बट अब देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। क्यों माही? हाँ बहुत अच्छी जगह है। आपको फूल वगैरह सामान वगैरह जैसे लॉकेट वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर भी देखे होगा। रब दा शेर उची अली दी शान, ईमान अली नबी दा ऐलान। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, हैदर करार बुतुराब अली अली, हाशमी चराग ला जवाब अली अली। हैदर करार बुतुराब अली अली, हाशमी चराग ला जवाब अली अली। जिन्ना दा ना कोई अली ओना दा भरम, भाई कसम से मजा आ गया। मतलब आपने देखना अंदर की, पहली बार तो दिखने में कितना खूबसूरत था और फिर अंदर जो शांति है दरगाह के काफी देर पानी मजा आ गया वैसे सच्ची में। तो सेकंड लोकेशन पे भी हम आ चुके हैं, मैंने बताया था वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो यहाँ हम आगे ये मस्जिद से 3 किलोमीटर की दूर पे है सिर्फ। आप कभी भी आओ अगर जहाँ निज़ामुद्दीन की मस्जिद, तो वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे ये वेस्ट ऑफ वंडर पार्क आपको दिख रहा पीछे। तो देखते अंदर चल के कैसा क्या है। बताया जाता है कि 7 अजूबे इसके अंदर बनाए हुए हैं मतलब। तो देखते अंदर चल के मिलते हैं। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पोपट बने जा रहा। अभी भी यहाँ पे आया मैंने कहा कि अंदर जाके आपको दिखाऊंगा, पर बैड लक बंद है ये, खत्म टाटा बाय बाय गया। पता नहीं क्यों बंद है पर यार, मैं सच्ची बताऊँ मैं नहीं गया कभी इसके अंदर पहले, बट आज मौका मिला था, बट आज भी बंद मिला। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, पिछले बात करते हैं। भैया कह रहे कि लॉकडाउन के बाद से खुला ही नहीं, भैया लॉकडाउन के बाद से खुला ही नहीं। तो हमने पहले चेक नहीं किया कि ओपन है नहीं ओपन, हम बस आ गए ऐसे ही। और देखो काफ़ी लोग आए हुए हैं, सबको यही था कि खुला मिलेगा। भाई साहब आप भी घूमने आए थे ना भाई साहब? बहुत से लोग आए हैं आप देखो, बट सबकी किस्मत बेकार, लॉकडाउन के बाद से खुला ही नहीं है। ओपन कब होगा ऐसा पता हो कुछ? लॉकडाउन के बाद से खुला ही नहीं। ओके भाई थैंक यू। तो भाई गार्ड से भी पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। यार मैं कल आ रहा हूँ। हाँ उन्होंने कहा कि कोई पता नहीं है कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, लॉकडाउन के बाद से बंद ही पड़ा है। तो हम जा रहे हैं वापस, देखो कहाँ जाएंगे, सर से पूछ के बताता हूँ।
कहाँ निकल रहे हैं? गूगल पे तो ओपन बता रहा था, अब क्लोज है तो हम निकलते हैं सेंट्रल पार्क, सीपी चलते हैं, सीपी के बीच में घूमेंगे। सीपी में घूमेंगे और सबसे बड़ी बात सीपी में मेरे को चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, मेरे लिए खुशी की बात है। चलो सीपी में चलते हैं। तो भाई वेस्ट ऑफ वंडर पार्क तो हमें मिला बंद, उसके बाद हम आए शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम क्यों आए हैं? अब हम यहाँ से जाएंगे सेंट्रल पार्क, और सेंट्रल पार्क में जाके हम करेंगे नाश्ता लंच वगैरह जो भी आप समझो। और ये खड़े हमारे पास, ये हमारे पूरा क्राउड आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे आए हुए हैं। अब वहाँ जाके हम करेंगे इन्जॉयमेंट थोड़ा और लंच करेंगे अपना, और पार्क में बैठेंगे, ठंड का टाइम है, धूप सेकेंगे, बहुत मजे करेंगे। जो भी करेंगे वो आपको दिखाऊंगा मैं चल के। भाई कनाट प्लेस हम आए हुए हैं इस टाइम, और कनाट प्लेस की एक बात खास है कि जैसे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या मैं हाथ में कैमरा पकड़ा फ़ोन पकड़ा, वैसे बहुत लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे जाते हुए। फिलहाल हम शिवाजी स्टेडियम वाली पार्किंग के पास है बोर्ड, और हम जा रहे हैं सेंट्रल पार्क की तरफ। वहाँ पे बस खड़ी करने की जगह, इसलिए हम यहाँ पे बस खड़ी करिए और अब जाएंगे हम पैदल वहाँ पे। और वहाँ पे जाके हम क्या क्या करते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, सिनेमैटिक्स के मजे लीजिएगा। फिलहाल चले यहाँ लग रहा है भाई लाइक बाजार टाइप, आप देख सकते हो। तो कोई भी भाई दिल्ली का हो या सीपी घूमने आया तो यहाँ से शॉपिंग जरूर करे, कराता रहता हूँ। सर्दियों में आइसक्रीम देखो। खैर आज धूप है बहुत ज़्यादा, गर्मी मतलब लग रही है हमें ट्रैवल कर रहे इसलिए, बट है तो ठंडी, और सर्दी में आपको आइसक्रीम मिल जाती है देखो। ये भी मंगोलपुरी वाली हरकत करने वाले थे, कैमरा देख के रुक गए। कुछ जीव आगे चले गए, कुछ जीव पीछे हैं, और कुछ आ रहे हैं। चलिए पालिका बाजार इस साइड कुछ भी शॉपिंग करनी हो आपको सीपी से। और ये और जीव आते हुए, ओ भाई पोपट नंबर 3 आज का सेंट्रल पार्क भी बंद मिला। टाइम 2 बज चुके, हमने खाना नहीं खाया, समझ नहीं आ रहा क्यों निकले हैं। सेंट्रल पार्क बंद मिला, वंडर पार्क बंद मिला, भूख लग रही यार बहुत तेज। हमने खाना बस के पास खाया क्योंकि सारे पार्क बंद थे, अब हम चर्च के लिए जा रहे हैं। ये तीनों लड़का स्टेटस लगाते कि हम पापा के परी आज उड़ के दिखाएंगे, चलो उड़ के दिखाओ। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। भाई क्रिसमस में निकलना हमें पड़ेगा भारी, सुबह पहली बार तो लेट निकले, फिर दरगाह गए, दरगाह में आपको इतनी चीजें दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम जाएंगे कि वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, वो हमने आगे बात करी तो आपने देखा होगा वीडियो क्लिप में, नहीं देखा तो मैं डाल दूंगा आप देख लेना। वो कोरोना टाइम से बंद पड़ा, उसके बाद वो खुला नहीं है, तो फिर हमने सोचा चलो टाइम हो गया था 2 बजे के आसपास, हमने सोचा चलो सेंट्रल पार्क चलते हैं, सिटी पास में ही है, वहाँ पे आके लंच करेंगे। तो भाई सेंट्रल पार्क भी बंद मिला, उसके बाद हमने लंच किया बस के पास, उसके बाद हमने सोचा चर्च चलेंगे तो भाई चर्च भी बंद मिला। तो अब शाम हो गई, अब देखो अक्षरधाम अगर खुला होगा तो वहाँ जाएंगे, वरना आज का टाइम तो हो गया यार मूड नहीं आने का। अक्षरधाम में मिलेंगे, उससे पहले मैं उसमें जाते चलो। भाई फाइनली एक अच्छी जगह तो हम आ गए, और किस्मत से ये खुली हुई है हमें एंट्री मिल जाएगी, और कोशिश होगी शो देखने की। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए, साफ सफाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग। अब अंदर तो फोन नहीं आने देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा बाहर से जितना आपको दिखा सकूँ उतना दिखाऊंगा। एंट्री हो चुकी है, ये हमको जाना है, बैग वगैरह जमा कराना, पर्स जमा करवाना है क्योंकि अंदर कुछ मोबाइल जमा होंगे, और मैं बाहर से एक व्यू दिखाता हूँ आपको। Hi, Mary.
रात के टाइम इतना प्यारा व्यू है अगर मैं क्या बताऊं। और अगर आप आए हो तो फाउंटेन शो बिना देखे मत जाना भाई। वो शो ऐसा है कि आप उसको कितनी बार भी देखो, मैं खुद अभी चौथी बार देखूंगा, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। हेलो गाइस, जैसे कि हम आ चुके अक्षरधाम मंदिर, अब इतना मजा आने वाला दोस्तों, इतना आप होते ना, आप भी कहोगे कि यही रहना मेरे को। तो भाई सुबह से मूड इतना खराब था, अब जाके ठीक हुआ है। क्यों मैडम कुछ कहना आपको? हाँ तो सुबह से इतना मूड खराब था भाई, अब जाके ठीक हुआ है। और मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ, वहाँ फोन जमाऊंगे, पैसे जमाऊंगे और हमको खाली दर भेजा जाएगा। आप कैश ले आ सकते हो, बट दोस्तों मोबाइल पर्स अपना फोन या अपना बैग कुछ नहीं ले सकते वाई लाइन से। तो भाई ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा सोचा था वैसा एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सी जगह बंद थी, बट हाँ अक्षरधाम में मजा आ गया, सबने वाटर शो देखा और सबका मूड मजा आ गया। मतलब यार बहुत थका हुआ यार, कुछ बोलने का मन नहीं है, ख़त्म करते हैं बस।